दोस्तों आज हम प्रिंस ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो हम इसका पहले शोल्डर नापेंगे। तो मैंने इसमें 6.5 इंच रखा है और आर्म होल भी मैंने 6.5 लिया है इसमें। और इसका हम एक बॉक्स तैयार कर देंगे 6.5 का इस तरह से। अब क्या करेंगे, राउंड शेप देते हुए इसे इस तरह से गोल करेंगे। और जब हम इसकी कटिंग करेंगे थोड़ा सा इसे डाउन कर देंगे नीचे की तरफ, जिससे कि हमारी फिनिशिंग अच्छी आए यहाँ। और यहाँ से आर्म होल की तरफ से मैंने यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाया। गले की लेंथ मैंने इसमें 4 इंच रखी है, 4.5। अब हम आएंगे हम चेस्ट पर। तो मैंने इसे 32 इंच का बनाया है, तो 8 इंच पर निशान लगाऊंगी। मार्जिन के लिए 1.5 इंच बढ़ाया है इसमें। कमर मेरी 30 है तो 7.5 देंगे। मार्जिन जितना ऊपर रखना है उतना हम नीचे भी रख लेंगे, इसमें आप मार्जिन बढ़ा भी सकते हो। तो इन दोनों पॉइंट को हम इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के बाद अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो मैं इसे प्रिंस कट बना रही हूँ, तो यहाँ से मैंने 4.5 पर निशान लगाया और यहाँ से 3.5 पर। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए कर्व से देते हुए आर्म होल की तरफ जाना है इस तरह से। और अंदर की तरफ हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। तो हम इस तरह से क्रॉस में एक लाइन खींचेंगे और डायरेक्ट हमें ऐसे नहीं काटना है, थोड़ा सा शेप देना है जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आए कटने के बाद और शेप भी अच्छा आएगा इस तरह से। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से 1 इंच उठाएंगे अपने ब्लाउज को, 1/2 इंच हम यहाँ से भी उठाएंगे आगे की तरफ से और इधर से भी हम इसी तरह से लाइन खींचेंगे। गले की तरफ से हम इस तरह से क्रॉस में करके इस तरह से लाइन खींचेंगे। जब हम इसकी कटिंग करेंगे थोड़ा सा इस तरह डाउन कर देंगे, सॉरी गोल शेप दे देंगे इसमें इस तरह से, तो हमारा एक फिनिशिंग अच्छी आएगी। ये काटने के बाद यहाँ से हम डार्ट का निशान लगा देंगे, जिससे कि हमारा डार्ट पता चल जाएगा हमें यहीं से डालना है। तो इस तरह से दूसरे पीस में भी हमें ऐसे ही कट लगा देंगे थोड़ा सा। ये सब होने के बाद अब हम क्या करेंगे, आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो मैंने इसे फोल्ड कर रखा है जिससे कि मेरे 2 आस्तीन तैयार हो जाएंगे इसमें। तो मैंने इसे शॉर्ट बना रही हूँ आस्तीन। तो यहाँ से मैंने 2 इंच पर निशान लगाया और इसे शेप दूंगी आस्तीन का। यहाँ से हम बॉटम रखेंगे 4 इंच, मार्जिन के लिए बढ़ाया 1.5 इंच। तो इस तरह से हमारी आस्तीन भी कट के तैयार हो जाएगी। इस आस्तीन को हमें यहाँ से ज्वाइंट करना है। जब हमें यहाँ से लगाएंगे इस तरह से, जब हम इस पर कपड़े पर कटिंग करेंगे तो हमें इसे पैर तक कपड़ा बिछाएंगे और इसे रखेंगे इस तरह से।
और यहाँ से हमें आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, दोनों पीस में लेना है हमें एक्स्ट्रा कपड़ा, जिससे कि हमारी फिनिशिंग अच्छी आए और जो पफ बनेगी वो भी अच्छी बनेगी। फिर इसके बाद हमें ये सब चीज़ कंप्लीट होने के बाद फिर हम अपने आस्तीन को ज्वाइन करेंगे, फ्रंट और बैक को सिलने के बाद आस्तीन को ज्वाइन करेंगे, तो हमारा ये पिन स्कर्ट ब्लाउज बनकर तैयार हो जाएगा इस तरह से। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।